तो दोस्तों वर्ल्ड कप 2030 का मैच नंबर 37 जो है खेले जाने वाला है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। और आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11, प्रेडिक्शन बताऊंगा कौन से बैट्समैन, कौन से बॉलर एंड कौन से ऑलराउंडर चलेंगे, साथ ही साथ बताऊंगा कौन सी टीम जो है इस मैच को जीत सकती है एंड पिच रिपोर्ट भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं आपको एंड तक वीडियो को देखना, और हाँ ये मैच बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि दोनों टीमों जो है बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो जो है इस चैनल पे आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया वर्सेस श्रीलंका की जो मैच थी उसमें मैंने कुछ प्रेडिक्शन की थी जो कि सही हुई है। मैंने कहा था रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल में से जो है एक बैट्समैन चलेगा, जिसमें शुभमन गिल जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से चले। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि विराट कोहली जो है वो 50 से ज्यादा रन बनाए, उन्होंने भी 50 से ज्यादा रन बनाए। साथ ही मैंने बॉलिंग में कहा था कि सिराज एंड शमी जो है स्पेशली सिराज विकेट टेकर का काम इस मैच में करेंगे टीम इंडिया के लिए, जो कि हुआ। उन दोनों ने 5 विकेट कंबाइनली लिए, 5 से ज्यादा विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने जो है अकेले ही 5 विकेट ले लिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जडेजा जो है वो 2 से ज्यादा विकेट लेंगे एंड 30 से ज्यादा रन बनाएंगे, जो भी सही हुआ है। तो ऐसी प्रेडिक्शन के लिए जो है वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर जो है ये मैच जो है ईडन गार्डन में खेले जाने वाला है, यानी कि कोलकाता के मैदान पे जो है ये मैच खेले जाने वाला है, जहां पर जो है थोड़ी सी बाउंस पिच हो सकती है, यानी कि गेंद जो है थोड़ी सी बाउंस हो सकती है और उसी की वजह से बैटिंग को जो है मदद मिल सकती है। और आपको मैं बता दूं कि यहां पर बैटिंग भी अच्छे से चल जाती है एंड फास्टर गेंदबाजी भी ठीक ठाक चल जाती है, साथ ही साथ यहां पर स्पिन भी बहुत बढ़िया चल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर जो है सभी कुछ चलेगा, बैटिंग बॉलिंग मतलब जो भी है वो चल जाएगा यहां पर। स्पिन ऐसा कह रहा हूं मैं, स्पिन फास्ट बैटिंग ऐसा कहने का मतलब है मेरा, तो ये सब कुछ जो है पर चल जाएगा, लेकिन स्पेशली बैटिंग जो है यहाँ पर खास तरीके से चल सकती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया के लिए ओपनिंग के लिए जो है रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल आएंगे। विराट कोहली नंबर 3 पे, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे केएल राहुल, नंबर 6 पे सूर्य कुमार यादव, नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पे कुलदीप यादव, नंबर 9 पे मोहम्मद शमी, नंबर 10 पे जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पे मोहम्मद सिराज। अब इस प्लेइंग 11 में जो है कोई चेंज नहीं होगा जब तक हार्दिक पांड्या नहीं आते हैं मेरे हिसाब से। अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो उनके बाद जो है ओपनिंग के लिए क्विंटन डिकॉक एंड टेबा बाउमा मौजूद है। नंबर 3 पे रासी वंडर डुसेन, नंबर 4 पे एडन मार्करम, नंबर 5 पे डेविड मिलर, नंबर 6 पे हेनरी क्लाजन, नंबर 7 पे मार्को जॉनसन, नंबर 8 पे गेराल्ड कॉर्जी, नंबर 9 पे केशव महाराज, नंबर 10 पे लुंगी एंगिडी और नंबर 11 पे जो है कगिसो रबाडा। कुछ इस तरीके से जो है प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है साउथ अफ्रीका टीम की इस मैच। अगर मैं बात करूं यहां पर प्रेडिक्शन की, कौन से बैट्समैन, कौन से बॉलर एंड कौन से ऑलराउंडर जो है इस मैच में चल सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, जैसे मैंने पिछले मैच में बताया था, इस मैच में मैं बता रहा हूं 100 से ज्यादा कंबाइनली रन ये बना सकते हैं, या फिर इन दोनों में से जो है कोई ना कोई तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ही करेगा 100%। उसी के साथ साथ मैं बता दूं कि विराट कोहली जो है इस मैच में आपको 50 से ज्यादा रन बनाते हुए ही नजर आने वाले है। साथ ही साथ क्विंटन डिकॉक जो है मुझे ऐसा लगता है कि 60 या फिर 70 से ज्यादा रन बनाएंगे, और उन्हीं के साथ जो है मेरे हिसाब से हेनरी क्लाजन जो है वो 50 या फिर 60 रन बना ही देंगे। वैसे तो जो है मैं किसी को भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इस मैच में जो है काफी सारे बैट्समैन ऐसे हैं जिनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन मैंने हेनरी क्लाजन एंड क्विंटन डिकॉक को प्रेडिक्ट किया है साउथ अफ्रीका की ओर से। मुझे ऐसा लगता है कि कोई और एक बैट्समैन भी यहाँ पर जो है टीम साउथ अफ्रीका का चल सकता है और टीम इंडिया का भी चल सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ तो बॉलिंग में जो है सिराज एंड शमी जो है एक बार फिर 5 से ज्यादा कंबाइनली विकेट लेने वाले हैं। कुलदीप यादव मेरे हिसाब से 2 से ज्यादा विकेट लेंगे एंड जो रबाडा है वो मेरे हिसाब से ये क्या फिर 2 से ज्यादा विकेट लेंगे, और साथ ही साथ जो कॉर्जे है वो मेरे हिसाब से 3 से ज्यादा विकेट लेने वाले इस मैच में। अब बॉलिंग की प्रेडिक्शन जो है थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है फास्टर्स चल सकते हैं इस पिच पे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑलराउंडिंग प्रेडिक्शन की, ऑलराउंडर्स में जो है कौन चल सकता है, तो मेरे हिसाब से जो है रविंद्र जडेजा जो है वो पिछले मैच की तरह ही 30 से ज्यादा रन बनाएंगे, 2 से ज्यादा विकेट जो है वो इस मैच में लेने वाले हैं। और साथ ही साथ उन्हीं के साथ केशव महाराज की अगर बैटिंग आती है, तो केशव महाराज जो है अच्छे से बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी फार, उसी की वजह से जो है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी 1 से ज्यादा विकेट एंड 20 या फिर 30 से ज्यादा रन बना लेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कौन सी टीम जो है इस मैच को जीतने वाली है, तो मेरे हिसाब से टीम इंडिया ही इस मैच को जीतने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया की जो है मतलब ऐसी विनिंग ट्रेन चल रही है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इनकी जो ये ट्रेन है वो सीधा जीतते जीतते ही जा रही है, हारने का नाम ही नहीं ले रही है टीम इंडिया। बस फाइनल तक ही ऐसा करती रही टीम इंडिया, बस सेमीफाइनल में थोड़ा सा मतलब धोखा ना दे दे, बस यही
ही मैं चाहता हूँ, क्योंकि टीम इंडिया बहुत ही बढ़िया इस साल खेल रही है, आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया जो है इस मैच में जीतने ही वाली है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।